बिहार में सत्ता संग्राम छिड़ा है, लड़ाई सीटों की हो रही है, लेकिन सिर्फ सीटों की नहीं है, राजनीतिक हैसियत दांव पर है और सीटों की संख्या पैमाना बनी है कि कद किसका कितना बड़ा है। सर फुटउल से लेकर मान मनोवल तक महागठबंधन में हर परिस्थितियां आम रही हैं। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाने वाले मांझी की हसरत थी कि कांग्रेस से एक सीट ज्यादा मिले, पहले हसरत बयां की और फिर हसरतें परवान चढ़ी तो कह दिया मेरे सम्मान का मतलब यही है कि कांग्रेस से एक सीट ज्यादा नहीं मिला तो समझेंगे अपमान हुआ। कि हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे कोर कमेटी के हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों या जिला प्रभारी हों या फिर नेशनल काउंसिल के लोग हों, एग्जीक्यूटिव के लोग हों, सब लोगों ने एक बात पर बहुत रोष जाहिर किया है और निराशा जाहिर किया है कि ये बार बार अखबारों में बात आती है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक सीट मिलेगा। इससे हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता अपमानित समझ रहे थे और इसीलिए अपना रोष व्यक्त करते हुए हमको आदेश दिया है कि आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से आप बात कर लीजिए कि कोई सम्मानजनक सीट वो दे रहे हैं या नहीं। और सम्मानजनक सीट का परिभाषा भी उन लोग ने बतला दिया है कि कोई भी घटक दल, इवन कांग्रेस को भी लोग कहा है कि राजद के बाद कांग्रेस हो चाहे अन्य घटक दल हो, उनसे एक सीट अधिक मिलती है आपको तो आप समझिए कि आपको सम्मान किया गया। अगर उनके बराबर या उनसे कम सीट मिलने की बात होती है तो आप समझिए कि आपको अपमान किया गया है। और वैसी परिस्थिति में जब हम समझ लेंगे कि हाँ हमको उनसे कम सीट मिलने की बात है, तब उन लोगों ने ऑथराइज किया है कि आप उनसे मिल करके जो आप कदम उठाइएगा हम आपके साथ। जेडीयू बीजेपी ने मौके की नजाकत को समझा और मांझी के मिजाज को भी, इसलिए वेलकम ऑफर फेंक दिया, मांझी जी आएंगे तो उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी भी बोली मांझी आएंगे तो सीटों की गुंजाइश निकाली जाएगी। हमारे एनडीए से अलग भी हो गए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी उनके आदर में कोई कमी नहीं की थी और उनका स्वागत है जरूरत पड़ा यहाँ तक। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ आएंगे तो सम्मान में अगर जरूरत पड़ा तो क्यों नहीं सीट देंगे। मांझी लालू से भी मिले लेकिन लगता है बात बनी नहीं। उधर हसरतों को हासिल करने की जुगत और जद्दोजहद में माहिर मांझी के स्वभाव को महागठबंधन ने भी अब समझा है, इसलिए तो अब खबर है कि मांझी को मनाने की तैयारी हो रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पहले सरफुटउल हुआ और अब मान मनोवल हो रहा है, तो सिरफुटउल से लेकर मान मनोवल तक कि इस पूरी कहानी में मांझी मुख्य किरदार हैं। अचानक ऑन डिमांड हो गए हैं, इसलिए लगता है पूरी न सही आधी डिमांड तो पूरी हो ही जाएगी, नहीं भी हो तो मांझी तो मांझी हैं, रूठने की कीमत भी लेते हैं और मानने की भी। मान जाने की क्या कीमत लेंगे यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पटना से जेपी चंद्रा की रिपोर्ट।